अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हालचाल हैं। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और मजे में। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यार आज सीन कुछ ऐसे, अभी तो सुबह का टाइम है और मैं उठा हूं, जुम्मे का दिन है आज, और मैंने सोचा कि अपनी थर्मल कॉलोनी का व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर कीजिए कि हमारी कॉलोनी कितनी खूबसूरत थी और है, कह सकते हैं। और ये एक मेमोरी भी होगी क्योंकि हम सब हैं यहाँ पर, मतलब ना हमारे वालिदैन की ड्यूटी है तो सब ने यहाँ से चले जाना है एक दिन, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। तो खैर एक याद होगी तो इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। खैर तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी खूबसूरत सी कॉलोनी का एंट्रेंस गेट। ये है अभी से हमारी कॉलोनी टीपीएस कॉलोनी का एंट्रेंस गेट, जहाँ से लोग कॉलोनी में एंटर होते हैं और आउट होते हैं। और ये वाली साइड है मुजफ्फरगढ़ शहर की तरफ जाती है, मुजफ्फरगढ़ सिटी साथ ही है। और ये है महमूद कोट, कोटा दू, सिनावा, पता नहीं क्या क्या और कौन कौन से शहर, ये है साथ ही थर्मल पावर स्टेशन, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। खैर अभी जब कोई दोस्त वगैरह आते हैं तो यहीं से ही एंटर होते हैं। खैर इनको भी टले छली कराते हैं, मतलब जैसे कह दिए कि हम थर्मल के हैं, जो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, जो कहे भाई जिसको देख लिया बस, जो बच गया बच गया। खैर यहाँ से लोग मतलब जैसे शहर जाना हो तो यहाँ रक्षे वगैरह भी मतलब मिलते रहते हैं। खैर कॉलोनी के अंदर चलते हैं तो गेट वगैरह ओपन हुआ है, तो बाकी आप एंट्रेंस चेक करो। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, साथ क्योंकि स्कूल है। और ये है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से सरकारी मुलाजिम लोग जो यहाँ काम करते हैं उनको तनख्वाह वगैरह मिलती है। और इस साथ है मार्केट और साथ होटल भी है पड़ा। खैर और ये बड़ा प्यारा भी यहाँ पर लोग बैठने की जगह बनाई हुई है। मार्केट का ये एक गेट है और ये साथ होटल है शाकिर होटल, और उसके उस साइड भी है बड़ा गेट। और ये मार्केट के अंदर इस टाइम सारी दुकानें बंद हैं, सुबह का टाइम है, एक दुकान खुली हुई है सामने जहाँ से मतलब आम सौदे वगैरह मिल सकते हैं, और एक सब्ज़ी की दुकान खुली हुई थी क्योंकि सामने जिसने मार्केट में, वैसे इस मार्केट में एक ही सब्ज़ी की दुकान है। ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड टीपीएस कॉलोनी का, जो कि एक टाइम में बहुत खूबसूरत होता था, अभी भी खैर अच्छा है। यहाँ सुबह के वक्त लोग करते हैं जॉगिंग वगैरह, काफ़ी लोग होते हैं। आज मैं गया तो दो ही थे, खैर मैं लेट था थोड़ा, और शाम के टाइम होते हुए था फुटबॉल, वही तक इसके तम दीवाने हम भी खेलते हैं। और साथ है उसके फिर क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल ही साथ है, जहाँ सुबह टाइम मतलब जब अगर अच्छा मौसम हो तो लोग बैठते हैं बेंच वगैरह, बड़ा मज़े का यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम क्रिकेट वगैरह होती है, शहर सिटी में भी आती हैं, और साथ ये नेट पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं लड़के। और ये है जी वही स्कूल, वाबडा बॉयज स्कूल, वही सा वाबडा बॉयज हाई स्कूल, वही सा यहाँ तो मैं 8-7वीं तक इसी स्कूल पढ़ूँ, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, अरे बड़ा मज़ा आता था यार, बड़े बड़े बैग होते थे। खैर कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो अकेले आते हैं पैदल, और कुछ होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ आते हैं। खैर हम तो अकेले आते थे, हमारा घर भी था। तो कुछ होते हैं जो शहर जाते हैं, मतलब कॉलोनी से मुजफ्फरगढ़ सिटी पढ़ने जाते हैं। और ये है जी क्लब, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि स्कूल के बिल्कुल ही साथ है। और यहाँ पर यहाँ वॉलीबॉल वगैरह का ये नेट लगा हुआ है, रात के टाइम यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं, खेलने वाले बड़े मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं, 11 बजे तक गेम होती है, और देखने वाले भी काफ़ी सारे होते हैं, मैं भी देखने आता हूँ अक्सर, मतलब ना बड़ा मज़ा आता है यार, इन्जॉय होता है। खैर अब आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर है ऑफिसर क्लब वगैरह और रेस्ट हाउस वगैरह। तो ये ऑफिसर क्लब, यहाँ पर मतलब ना ऑफिसर आके और कुछ जो दूर से इंटर्नशिप करने वगैरह आए हो तो वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर मतलब बहुत ही प्यार। जो ये सामने है रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस ये बहुत ही, ये इसका एक गेट है, इसके तीन गेट हैं, जो पहला दिखाया है दूसरा, और ये है भाई साहब सामने रेस्ट हाउस। यहाँ पर रात को बैडमिंटन वगैरह भी होती है, और एक सामने यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आता है थर्मल स्टेशन का, चिमनी का। ये है जी हमारी मस्जिद माशाल्लाह, ये है मक्की मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये है उसका बाहर सैन, जो बाहर वाला हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ जुम्मे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा आवाम होती है ये बाहर टाइम वाला। और ये है भाई साहब सामने मदरसा, जहाँ पर हिफ्ज़ वगैरह, तो ये है भाई साहब सहन वगैरह, यहाँ पर भी जमात वगैरह होती है, ये सारा ही हिस्सा मस्जिद का पार्ट है। और ये जुम्मे के टाइम काफ़ी सारी आवाम होती है, मैंने बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई, और ये बच्चा वीडियो क्या था मेरी वीडियो में लेकर आप व्लॉग में, यार भाई साहब आप आ गए हो, तो काफ़ी सारी आवाम होती है, मैं अंदर तक होती है, अंदर वाले हिस्सा आपको नहीं दिखा। और ये है भाई साहब पार्क हमारा कॉलोनी का, जो कि बर्बाद हो जाए लेकिन अब इस टाइम आबाद है, क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह बच्चे रात के टाइम खेलने आते हैं, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर सुबह टाइम कुछ बच्चे झूले खा रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे बच्चे थे, तो ये इनकी तरफ से आपको हाय दोनों की तरफ से।
व्यूवर्स को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार। ये है भाई साहब माल रोड, जो कि हमारी कॉलोनी का सबसे मशहूर तरीन हिस्सा है। माल रोड जिसे जो ना जानता हो वो मेरे ख्याल से कॉलोनी में पैदा ही नहीं हुआ। खैर ये है सामने वाला रोड, यहाँ पर रेसे वगैरह काफ़ी लंबा रोड है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये वाली डी टाइप के इलाके। और ये है भाई साहब एयरपोर्ट जो कि माल रोड के साथ है। भाई साहब यहाँ पर जहाज़ यहाँ से उड़ते भी हैं और यहाँ पर लैंड भी करते हैं भाई साहब। बहुत ही जहाज़ का मतलब तो समझ जो भाई साहब नशे की बात करो। और कह रहे हैं अगर किसी के दोस्त वगैरह आए हों तो वो भी यहीं पर जिसके बैठे वगैरह ना हो तो यहीं काफ़ी सारे मतलब यहाँ बैठ भी सकते हैं क्योंकि जगह बिल्कुल साफ है ये वाली। खैर ये है भाई साहब मार्केट, चाइना मार्केट जो पहले दिखाई थी वो है रशियन मार्केट। यहाँ से काफ़ी सारा सामान, यहाँ मेडिसन वगैरह सब कुछ मिलता है, यहाँ समोसे वगैरह मतलब ना यहाँ पर सब कुछ। यहाँ टूर्नामेंट हुआ था जो कि लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, रात के टाइम यहाँ पर समोसे बर्गर मतलब सब कुछ लगता है, दही बल्ले वगैरह। ये आदिल भाई के हैं, लोगों ने बर्गर वगैरह भी लगाया हुआ है। ये साथ ही है टैंकी जो कि काफ़ी मतलब यहाँ से खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं कोशिश करूँगा ऊपर चढ़ूँगा आपको दिखाऊँ, तो हम ऊपर चढ़ते हैं खूबसूरत आपको नज़ारा दिखाने के लिए। खैर ऊपर पहुंच तो गए लेकिन फुल ऊपर ना पहुंच सके, जहां से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है क्योंकि यहां पर डैम्बू की तीन खकरें थी, तीन से ज़्यादा थी। ऐसे मैंने तीन की रूटीन रिकॉर्ड की थी, दूसरी तरफ भी काफ़ी सारी थी तो वही सब मैंने अपना मुँह नहीं सजवाना था, बस मैंने यहीं से वीडियो बनाई जो कि इतनी मतलब कह सकते हैं मज़े की नहीं आई। ये तो ऊपर से भाई इतना प्यारा व्यू मैं कहता हूँ जो कि थर्मल के 80% लोगों ने नहीं देखा हुआ व्यू, वो व्यू वहाँ से आता है क्योंकि लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ते वाटर टैंक की है। ये है भाई साहब इमाम बारगाह अहले तशियों की मस्जिद, मस्जिद तो एक ही होती है मतलब वो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। खैर साथ है ये भाई साहब ये दूसरी टैंकी है जो कि उसी के साथ है। मैं यहाँ पर भी आया तो भाई साहब यहाँ पर तो पूरा शहद की मक्खियों का छत्ता था, तो भाई साहब इधर तो डबल मुँह सोचना था क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा थी बिल्कुल साथ। तो खैर मैंने कहा यार नहीं यार इसको नहीं लेना, बड़ा दिल था यार वीडियो बनाने का। खैर साथ ही डिस्पेंसरी है चिमनी के नामवारे का मतलब बिल्कुल ही साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। काफ़ी यहाँ एम्बुलेंस भी है और काफ़ी वगैरह। ये इसका गेट है ODP लिखा हुआ बाहर। खैर ये सामने एमरजेंसी। खैर तो खैर यार सीन कुछ ऐसे हैं कि आपने देखी होगी कॉलोनी, यार वैसे तो अभी कॉलोनी के काफ़ी सारे हिस्से जैसे मेस हो गया जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और बाकी मतलब चीज़ें भी हैं काफ़ी सारी, जहाँ पर शॉर्मे वगैरह मिलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जैसे दूसरी मस्जिद हो गई बड़ी वाली, तो ये भी बड़ी है काफ़ी, वो भी मतलब ऐसी है। तो खैर वो भी नहीं दिखाई, तो वो इंशाल्लाह वैसे क्वार्टर वगैरह भी नहीं दिखाया और बाकी सीट है बड़े प्यारे हैं और गेट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रो में वीडियो दिखाएंगे। खैर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो खैर यार आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसके साथ अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन वाला लाजमी दबाना, बाकी यार ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड हो गया जी।